हेलो बच्चों, रितु मैम की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने कक्षा दो की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के पाठ एक कोयल के अभ्यास में से चार प्रश्न तक अभ्यास कर लिया था। अब इस सेशन में हम उसे आगे चलेंगे। चलो चलते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5। कविता पढ़कर पंक्तियाँ पूरी करें। कविता आपको लर्न हो गई, अब तो कविता याद है आपको, तो उस कविता से ही हम इसको पूरा करेंगे। यह तो निरी कलूटी होती। नेक्स्ट क्या था बोलिए? पाती। वेरी गुड, पाती है सबसे सम्मान। आपको इसको फिल करना है, लिखना है जो खाली स्थान छूटा हुआ है। अगला है भाई कारण केवल यह है। भाई कारण केवल यह है प्यारा बोल सुनाती है। वेरी गुड, यहाँ आएगा प्यारा बोल सुनाती है। नेक्स्ट है इधर उधर यह उड़ती फिरती। नेक्स्ट मीठा। वेरी गुड, मीठा गाना सुनाती है, यहाँ आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 6 का। नंबर क्या है? शब्द बनाए। अब आपको ये शब्द बनाने हैं, सोचिए इनके बीच में क्या आएगा। देखिए क्या लिखा है, को बीच में आपको सोचना है क्या आएगा। ल। वेरी गुड, को यल बीच में आएगा य। यह कलू। वेरी गुड, टी कलू टी। अब ये दिया हुआ है अड़िया, इसके आगे क्या आना चाहिए? शाबाश चिड़िया, ची आना चाहिए, चिड़िया। आगे क्या है ये? सू डैश ती। शाबाश, सुनाती सुनाती। अभी आया है सम्मान, सम्मान। हो अगला अगला तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है आपके लिए। ये दिया हुआ है कि बताना है कौन कैसे बोलता है। ये जो हमें पक्षी दिए हुए हैं नीचे, बर्ड्स दिए हुए हैं, हमें इनकी बोली बतानी है कि ये कैसे बोलते हैं, इनकी बोली कैसी कैसी है। तो बताइए सबसे पहले है कौन सी है? ये कोयल है। इसकी बोली सोचिए अब कैसी होगी, इसके बाद मैं आपको इनकी बोली भी सुनाऊंगी। आप खुद से सोचिए इनकी बोली कैसी हो सकती है। कोयल, और यह है मोर। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा कोआ, तोता, मुर्गा। मैं आपको इन सब की बोली के लिए पहले आपको कुछ दिखाती हूँ और सुनाती हूँ, ठीक है? उसके बाद हम अपने फिर से काम करेंगे। कोयल और उसकी बोली देखिए, बिल्कुल ही काली नीरी कलूटी है ये, पर इसकी बोली बड़ी मीठी है, इसलिए सबको प्यारी लगती है, सब इसका सम्मान करते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि मोर कैसे बोलता है, उसको सुनते हैं। और आपको मालूम है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर ही होता है। देखो कितना सुंदर होता है मोर, और सबसे सुंदर नृत्य मतलब डांस करता है मोर। चलिए सुनते हैं इसकी आवाज़। ये देखिए, ये जो पत्तों के पीछे छिपा नज़र आ रहा है यह है कोआ। और अब हम आपको कोए की आवाज़ सुनाने जा रहे हैं। यह है तोता, और अब हम सुनाएंगे तोते की आवाज़।
है मुर्गा। और क्या आपको मालूम है, यह सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करता है और उठकर बांग देता है, जिसे सुनकर सब लोग उठ जाया करते हैं। अब तो ट्रेंड चल गया है कि लोग अलार्म लगा लेते हैं घरों में। पहले पता है क्या हुआ करता था? पहले लोग अलार्म नहीं लगाया करते थे। पहले मुर्गा सुबह सुबह उठ के बांग देता था और उसकी बांग सुनकर सब उठ जाया करते थे। चलो तो सुनते हैं हम मुर्गे की आवाज़। चलो तो आपने अब जो जो पक्षी इसमें दिए हुए हैं उन सब की आवाज़ सुन ली, तो अब आप ही इनका जवाब देंगे। तो हमारा प्रश्न था कौन कैसे बोलता है। सबसे पहले दी हुई है कोयल। कोयल तो हमारी कविता में ही है, और कविता जब मैंने आपको सुनाई थी, हमने मिलकर कविता गाई थी, तब हमें कोयल की बोली का पता ही लग गया था। कोयल कैसे बोलती है? कू 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 कू। नेक्स्ट है मोर। मोर की आवाज़ आपने सुनी। मोर कैसे बोलता है बोलिए। वेरी गुड। कैसे? पीहू पीहू। कैसे बोलता है? पीहू पीहू। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा कोआ। तो कोए की भी आवाज़ आपने सुनी है। आप खुद आंसर करेंगे, बताइए। वेरी गुड। काव काव कैसे करता है वो? काव काव। नीचे है तोता। तोते की भी आपने आवाज़ सुन ली। अब बताइए तोता कैसे बोलता है? टैं टैं। कैसे बोलता है? टैं टैं। उसकी आवाज़ होती है टैं टैं। चलिए नेक्स्ट आ गए हैं हम मुर्गे पर। यह है मुर्गा। मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ू कू। कैसे बोलता है? कुकड़ू कू। वेरी गुड। ये सभी आवाज़ें आपने सुन ली है। अब आप इनको हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे खुद से, कि ये कैसे लिखे जाते हैं। आवाज़ खुद से प्रैक्टिस करेंगे लिखने की। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन गै। कौन उड़ता है? इनमें से हमें बताना है कौन उड़ता है। तो आपको पता ही है। इसके लिए हम एक गेम भी खेल सकते हैं। हमें क्या करना है, आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर, अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर कैसे करते हैं, शायद आपने पहले कभी ये गेम खेला भी हो, या आपके पेरेंट्स ने खेला होगा, वो आपको बता देंगे, आपके भाई बहन ने खेला होगा। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ऐसे फिंगर रखनी है, और सभी को ऐसे फिंगर रखनी होती है, जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, प्रतिभागी होते हैं, जो जो खेल रहे होते हैं, वो सभी ऐसे फिंगर रखेंगे। तो किसी एक की जिसकी टर्न आएगी वो बोलेगा तोता उड़, मैना उड़। तो जो जो चीज़ें उड़ती हैं वो उस पर उड़ बोलना है, और जो चीज़ें नहीं उड़ती उन पर कुछ भी नहीं बोलना, और अपनी फिंगर्स को ऐसे फ्लाई नहीं करवाना, ठीक है, ऊपर ऐसे नहीं उठाना अपनी फिंगर्स को। अगर जिसने पशु पर उसने ऐसे फिंगर अपनी जो चीज़, या फिर जो चीज़ किसी चीज़ का अगर नाम लिया है और वो नहीं उड़ती है, तो अपनी फिंगर ऐसे ऊपर उठा ली है, फ्लाई करवा दी है, तो वो आउट हो जाएगा। ये गेम का रूल है। तो क्या करना है, ऐसे ही कई सारे मेंबर्स हो जाएंगे गेम खेलने वाले, तो उसमें जैसे हमें बोलना है
कोई बोलेगा बिल्ली उड़, तो बिल्ली नहीं उड़ती, हमें नहीं उड़ानी फिंगर्स। तोता उड़, हाँ उड़ता है भाई। मुर्गा उड़, उड़ता है। भालू उड़, क्या भालू उड़ता है? नहीं उड़ता, तो फिंगर्स राइट नहीं करवानी। कौवा उड़, आपको मालूम है कौवा उड़ता है, तो कौवे को उड़ाना है। गाय उड़, गाय उड़ती है? नहीं उड़ती, तो हमें फिंगर्स नहीं उड़ानी। जो इसमें लिखे हुए हैं सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा आप अपनी मर्जी से कोई भी उड़ा सकते हैं और गेम खेल सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है ये। तो यह हुई क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।